हेलो गाइस, वेलकम टू नम्रताज किचन इन व्लॉग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी लगातार फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो उसे ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्पेशल चंद्रकला की रेसिपी शेयर की है, जिसे हम नॉर्मली गुजिया भी बोलते हैं। ये रेसिपी बनाने में भी बहुत ही इजी है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सभी से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैंने इसके लिए एक तार की चाशनी बनाई थी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। जैसा कि आप सभी ने सुना, ये बिल्कुल क्रिस्पी और परफेक्ट बना हुआ है। अब मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देख सकते हैं गाइज आप सभी भी। और आप सभी मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि इसे देखकर आपको खाने का मन किया या नहीं। आई थिंक आपके भी मुंह में इसे देखकर पानी आ गया होगा। तो इस सुपर ईजी और टेस्टी रेसिपी को चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया हुआ है और सबसे पहले मैं उसमें एक छन्नी को रख दूंगी और उसमें मैंने एक कप मैदा ऐड किया है। अब उसे मैं अच्छे से छान रही हूँ। आपको मैदे को अच्छे से छान कर ही इसे बनाना है। अब मैंने मैदे को अच्छे से छान लिया है। अब मैं इसमें जितना मैदा लिया है मैंने, उसका 1/3 लगभग इसमें घी यूज़ कर रही हूँ मोयन के तौर पर। और अब मैं इसे अच्छे से मसल के कुछ देर तक, 2 मिनट तक इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमारा जो चंद्रकला भुजिया है वो अच्छे से क्रिस्पी बनेगा, वरना वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो आपको इसे अच्छे से लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से मसल लेना है। अब मैंने घी और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी ऐड करके इसका एक डो तैयार कर लूँगी। गाइज़, आपको डो तैयार करते समय ये ध्यान में रखना है कि आपको इसे बहुत ही ज़्यादा नहीं मसलना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बाइंडिंग इसकी करनी है हमको, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस पे हाथ नहीं चला रही हूँ, बस इसे मिक्स करते जा रही हूँ और फिर ये बन जाएगा। और जैसे ही हमारा डो तैयार हो जाएगा, हम इसे लगभग 20 मिनट तक कवर करके रख देंगे। मेरा डो बन के कम्प्लीटली रेडी है। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी और जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बर्तन गैस पर चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और मैं जितना पानी ऐड कर रही हूँ उससे बस थोड़ा सा ही कम इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। हमें इसमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना है। लगभग 10 मिनट तक हमें इसमें चम्मच लगातार चलाते रहेंगे, जिससे इसमें शुगर अच्छे से घुलकर वो चाशनी में बदलते रहेगी। अब लगभग 5 से 7 मिनट के बाद मैं इसमें केसर ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है गाइस, आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, जिससे इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर केसर ऐड कर दिया है। अब मैं इसे लगभग 10 मिनट तक और अच्छे से पका लूँगी, फिर हमारा चाशनी बनकर कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। अब मुझे चाशनी को पकाते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुका है। अब मैं फ्लेम को बंद करके इसे साइड में रख दूंगी और अब हम चंद्रकला के अंदर भरने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले पैन को गर्म कर लिया है और उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच लगभग घी डाल दिया है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। लगभग 1 से 2 मिनट ही हमें इसे रोस्ट करना है। अब ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इसे एक अलग से प्लेट में निकाल लूँगी और बचे हुए घी में मैं सबसे पहले मावा को ऐड करके उसे भी अच्छे से इसमें थोड़ी देर के लिए गर्म करते हुए मिक्स करते जाऊंगी, जिससे कि ये थोड़ा जो हार्ड है वो सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड कर पाएंगे। इस तरह से मैं इसे घी में अच्छे से मिक्स कर दूंगी कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स अभी रोस्ट किया है उसे अच्छे से कूट कर इसमें ऐड कर दूंगी। ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देने के बाद इसे भी हम इसके साथ में अच्छे से लगभग 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं मावा में पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने नॉर्मल जो चीनी होती है उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। आप भी इसे इसी तरीके से घर में बना सकते हैं। मैंने पाउडर शुगर लगभग 3 चम्मच लिया हुआ है। अब इसे हम लोग अच्छे से मावा में मिक्स कर लेंगे लगभग 3 मिनट तक के। और जैसे ही हमारा ये पाउडर शुगर इसमें अच्छे से ऐड हो जाएगा, उसके बाद मैं लगभग 1 से 2 मिनट के बाद ही उसमें नॉर्मल जो सूजी होती है उसे ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो सूजी को मिक्सर में ग्राइंड करके उसे पतला कर सकते हैं या फिर 1 से 2 मिनट तक के उसे भून सकते हैं, बट मैंने सूजी को बिना भुने बिना कुछ किए ही ऐसे ही इसमें ऐड किया है। यकीन मानिए, इसमें भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे कोई भुनने की या फिर अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो मावा है उसमें ऑलरेडी घी, ड्राई फ्रूट्स और शुगर हमने ऐड कर दिया है, उसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है।
बस इस समय हमें ये याद रखना है कि हमें सूजी को लास्ट में ऐड करके उसे मिक्स करना है। सूजी को मिक्स करने के 1-2 मिनट बाद ही ये बनकर कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। मेरा स्टफिंग तो बनकर कम्प्लीटली रेडी है गाइस, पर आप चाहें तो इसमें नारियल का बुरादा या फिर कुछ भी मतलब और ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद है। अब जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। लगभग इसे 20 से 25 मिनट हो गया है मुझे इसे कवर करके रखे हुए। अब मैं इसकी इक्वल साइज़ की छोटी छोटी लोई बना लूँगी। अब हमारी लोई बनकर भी कम्प्लीटली तैयार है। अब मैं इसकी छोटी छोटी पूरियों की तरह रोटी बेल लूँगी इक्वल साइज़ की, कुछ इस तरीके से। हमें इसे ना तो बहुत ही ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, कुछ इतना पतला ये होना चाहिए। आप इसे एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। बिल्कुल इसी तरीके से मैं सभी लोइयों को अच्छे से बेल कर रख लूँगी पहले से ही। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने सभी को लगभग इक्वल साइज़ में रोल कर लिया है अच्छे से, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें स्टफिंग को भरकर इसे अपनी मनपसंद डिज़ाइन में बना लेंगे, जैसा कि आपको पसंद है। चाहे तो आप इसे गुजिया की तरह बना सकते हैं या फिर इसे आप चंद्रकला वाला डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसा कि मैं इसे चंद्रकला वाला डिज़ाइन दे रही हूँ, जिसे दिखने में अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आप इसके चारों तरफ अच्छे से पानी लगा दीजिए हल्के हाथों से बिल्कुल, और बीच में मैंने स्टफिंग को भी अच्छे से गोल करके उसे रख दिया लोई जैसा बनाकर। अब उसके ऊपर मैं दूसरा वाला पूरी लेकर उसमें भी आइट साइड में उसके पानी को लगाते हुए उसके ऊपर उसे ओवरलैप कर दूंगी और उसे अच्छे से चारों किनारों से चिपका दूंगी। अब हम इसके किनारों को प्रेस करते हुए अच्छे से इसे चिपका लेंगे, कुछ इस तरीके से। जैसे ही हम इसके सभी तरफ के किनारों को अच्छे से चिपका लेंगे, उसके बाद इसमें पानी लगाते हुए इसे अच्छे से इस तरीके से प्रेस करके मोड़ते जाएंगे, जिससे इसमें एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। आप इसे ध्यान से देखिए, और आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि इसी डिज़ाइन में आप इसे बनाएं, आप किसी और डिज़ाइन में भी इसे बना सकते हैं, पर मुझे ये डिज़ाइन पसंद है इसलिए मैं इसे इस तरीके से बना रही हूँ। हमें पानी लगाते हुए ये डिज़ाइन को बनाना है, जिससे कि ये चिपके रहे तेल में जाने के बाद भी, ये ना खुले ना। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने सारे डिज़ाइंस को बना देंगे। और याद रहेगा इस आपको इस समय स्टफिंग को बहुत ज़्यादा इसमें नहीं भरना है, बिल्कुल उसमें जगह बची रहनी चाहिए आजू बाजू, जिससे कि हम इसमें चाशनी भी बाद में ऐड करेंगे तो वो भी थोड़ा सा इस यो सोक करेगा चाशनी को, तो उसके लिए भी इसमें जगह होनी चाहिए। जब तक मैं इस डिज़ाइंस को बना रही थी, तब तक मैंने गैस पे कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को हमें मीडियम फ्लेम में या लो फ्लेम में ही गर्म करना है, और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। कई चंद्रकला के बन जाने के बाद डिज़ाइंस को आप अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वो बिल्कुल भी तेल में जाने के बाद ना खुले। अब हम इसे तेल में डाल देंगे तलने के लिए। हमें इसे लगभग गोल्डन ब्राउन होते तक या फिर 10 से 15 मिनट तक के लो फ्लेम में ही इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है, जिससे ये बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। और इसे डालते ही बिल्कुल भी आप इसमें चम्मच ना चलाएं, क्योंकि जैसे जैसे ही ये सिकते जाएगा ये अपने आप ही तेल के ऊपर आने लगेगा। बस आपको इसे एक एक करके तेल में डालते जाना है। अब लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है इसे सिकते हुए। अब आप सभी देख सकते हैं कि मैंने इसमें चम्मच अभी बिल्कुल भी नहीं चलाया है और ये अपने आप ही ऊपर आने लग गया है, मतलब ये अच्छे से नीचे से सिकते जा रहा है और ये धीरे धीरे ऊपर आने लग गया है तेल में। तो हमें सभी को एक एक करके ऊपर आने देना है, उसके बाद ही हम इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, कुछ इस तरीके से। अभी हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पलटना है, लगभग 1 से 2 मिनट के बाद ही हमें इसे पलटना है। अब मुझे लगभग 1 से 2 मिनट हो गया है इसके ऊपर आने के बाद, अब मैं इसको पलट दूंगी, जिससे इसके नीचे वाला पोर्शन भी है वो अच्छे से सिक जाएगा। हमें इसे लगभग 15 मिनट तक के फ्राई करना पड़ता है लो फ्लेम में, और अगर आप मीडियम फ्लेम में करेंगे तो 10 मिनट में भी अच्छे से ये सिक जाता है। गाइस जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इसका कलर कम्प्लीटली अब चेंज हो चुका है और ये अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, और मैं इसे अब डायरेक्ट चाशनी में ही ट्रांसफ़र कर रही हूँ सीधे। इस समय मैंने शुगर सिरप को भी हल्का सा गर्म कर लिया है,
जिससे कि ये उसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैंने सभी गुजिया को ट्रांसफ़र कर लिया है चाशनी में और मैं इसे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसमें डिप करके रख दूँगी। ये 3 से 4 मिनट में भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है चाशनी को, आप चाहें तो उसके बाद इसे निकाल सकते हैं। अब हमारा सुपर टेस्टी और सुपर इजी चंद्रकला बनकर कम्प्लीटली रेडी है। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने इसे बनाने के लिए सारे ड्राई चीज़ों का यूज़ किया है, तो आप इसे चाहें तो आराम से इसे 15 दिन तक के यूज़ कर सकते हैं। तो आप सभी को आज की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।